मेरे प्यारे देशवासियों, हमने मन की बात चार्टर के बारे में बात की। स्वच्छता के बाद जन भागीदारी की भावना, पार्टिसिपेटिव स्पिरिट आज एक और क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है और वह है जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए कई व्यापक और इनोवेटिव प्रयास देश के हर कोने में चल रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले मानसून के समय शुरू किया गया जल शक्ति अभियान जन भागीदारी से अत्यधिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में समाज के हर तबके के लोगों ने अपना योगदान दिया। अब राजस्थान के जालौर जिले को ही देख लीजिए, यहाँ की दो ऐतिहासिक बावड़ियां कूड़े और गंदे पानी का भंडार बन गई थी। फिर क्या था, भद्राजू और थानवाला पंचायत के सैकड़ों लोगों ने जल शक्ति अभियान के तहत इन्हें पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। बारिश से पहले ही वे लोग इन बावड़ियों में जमे हुए गंदे पानी, कूड़े और कीचड़ को साफ करने में जुट गए। इस अभियान के लिए किसी ने श्रमदान किया तो किसी ने धन का दान, और इसी का परिणाम है कि बावड़िया आज वहां की जीवन रेखा बन गई है। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की। यहाँ 43 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली सराही झील अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी संकल्प शक्ति से इसमें नई जान डाल दी। इतने बड़े मिशन के रास्ते में इन्होंने किसी भी कमी को आड़े नहीं आने दिया। एक के बाद एक कई गांव आपस में जुड़ते चले गए। इन्होंने झील के चारों ओर 1 मीटर ऊंचा तटबंध बना डाला। अब झील पानी से लबालब है और आसपास का वातावरण पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे से सटे सुनियाकोट गांव से भी जनभागीदारी का एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया है। गांव वालों ने जल संकट से निपटने के लिए खुद ही गांव तक पानी लाने का संकल्प लिया। फिर क्या था, लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे किए, योजना बनी, श्रमदान हुआ और करीब 1 किलोमीटर दूर से गांव तक पाइप बिछाई गई, पंपिंग स्टेशन लगाया गया और फिर देखते ही देखते 2 दशक पुरानी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। वहीं तमिलनाडु से बोरवेल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जरिया बनाने का बहुत ही इनोवेटिव आइडिया सामने आया है। देश भर में जल संरक्षण से जुड़ी ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो न्यू इंडिया के संकल्पों को बल दे रही है। आज हमारे जल शक्ति चैंपियंस की कहानियां सुनने को पूरा देश उत्सुक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जल संचय और जल संरक्षण पर किए गए अपने स्वयं के या अपने आसपास हो रहे प्रयासों की कहानियां फोटो एवं वीडियो #जलशक्ति4India उस पर जरूर शेयर करें।